नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर बर्फीले तूफान में फंसकर चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, इनमें एक बच्चा भी शामिल है। ये घटना बीते बुधवार की है। बुधवार को मनीतोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मनीतोबा इलाके से चार लोगों के शव बरामद किए थे। यहां भारी बर्फबारी हो रही थी। मारे गए लोगों में एक महिला, एक पुरुष, एक किशोर और एक बच्चा शामिल थे। आरोप है कि ये सभी भारतीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को इस मामले में कनाडा में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर और अमेरिका में अपने राजदूत से जवाब तलब किया। दूसरी तरफ अमेरिकी पुलिस ने फ्लोरिडा से एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यही व्यक्ति इन लोगों को अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मारे गए सभी भारतीय गुजरात से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस बॉर्डर पेट्रोल के अफसरों ने बुधवार को नॉर्थ डकोटा में एक वैन को रोका तो उसमें उन्हें 15 लोग मिले। इसे 47 साल का स्टीव शेड चला रहा था। स्टीव को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जाता है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें भी बॉर्डर पर स्टीव ने पैसे लेकर छोड़ा था। बाद में ये बर्फीले तूफान में फंस गए और इनकी मौत हो गई। उस वक्त इलाके का तापमान -31 डिग्री सेल्सियस था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।